सीट्स है तो एक स्पेशल सीट मिलेगी, ये प्रोपोर्शनेट। अच्छा, इसको अगर मैं एक मिसाल से एक मिसाल से ही समझ आ जाती है बात कि सपोज दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक एक सीट ली है, जी जी, इस एग्जांपल जी जी, बाकी 264 सीट्स इंडिपेंडेंट के पास, जी जी, ठीक है, तो अब एक एक सीट जो पार्टीज ने ली है वो 70 वोट्स ले लेंगे? नहीं ले सकते, जरा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। इसका दलाइल देना, इसका दलाइल ये है सर कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आईन से बात कीजिए सर, आईन से बात कीजिए सर, दुनिया में कहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में डिस्प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दुनिया की, अगर आपने दुनिया की बात छेड़ दी, देखें ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब एग्जांपल्स दें जबकि फैक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जरा सुन लीजिए ना पूरी बात, तहमुल कीजिए, सुनने की वो भी कर लें। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब दुनिया में ये होता है कि आप लोग लड़ते हैं वोट के बेसिस पे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं होता है। आपको जी 50% वोट मिले तो 50% आपकी सीट आ गई, आपको 10% में वो होता है प्रोपोर्शनल। ये एक और कॉन्सेप्ट है, इसको आप वो वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ना कहिए। अब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था जब आपने आगाज किया था, मैंने कहा पूरा पढ़िए 51, तो मैंने कहा ये नंबर कम हो सकता है 336 वाला, आपने कहा नहीं हो सकता जी। तो अगर आपकी दलाइल मान लू मैं तो फिर तो नंबर कम हो जाएगा, नहीं होगा, तो हवा में रहेंगे, नहीं रहेंगे, किधर जाएंगे उसी? मैं एक्सप्लेन करूंगा वो किधर जाएंगे, यही फोर्थ क्वेश्चन, आ देना उसका जवाब, उसका यही फोर्थ क्वेश्चन। फैसल साहब बताइए ना, मैं मुंतजर फैसल साहब ये बताइए, आप एक सवाल नहीं करते आप दूसरा फील करने लगे। फैसल साहब ये बताइए, हाइपोथेटिकली अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सीट सिक्योर नहीं करती है, देन Will there be allocation of seats? If there is no political party which has secured a seat, नहीं होगी, जाहिर है नहीं होगी, नहीं होगी। तो फिर इसीलिए इसका implicit है कि जिस political party जितनी seat secure करेगी उसी के proportion में उनको allocation होगी। मैं आपको numbers दिखाऊंगा कि लोगों ने